उसके बाद जो हम बात करते हैं वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वाटर पानी ठीक है वाटर इज एसेंशल फॉर लाइफ बट इट हैज नो फूड वैल्यू इन आर बॉडी वो पानी जो है हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है लेकिन इसकी जो फूड वैल्यू है ना वो नहीं है अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स एक इंसान जो है खाना खाए बगैर एक दो हफ्ते तक रह सकता है ठीक है बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर लेकिन पानी के बिना वो कुछ दिन में ही मर जाएगा वॉटर इज द लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस एंड मूव विद इन द बॉडी और गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी अब क्या होता है जो पानी जो पानी है ना वो ऐसा लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे जो हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस होते हैं ना वो घुल जाते हैं और इसके थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं ठीक है और हमारी बॉडी से जो जरूरत एक्सेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं निकल जाते हैं वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी हमारी बॉडी के लिए जो है वाटर काफी जरूरी होता है क्यों जरूरी होता है टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फूड टू द बॉडी सेल्स जो हमारा डाइजेस्ट फूड होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है फूड वो उसकी जो सब्सटेंसेज है ना वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाए उसके लिए जो है पानी बहुत जरूरी होती है जरूरी होता है टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एस हार्मोन्स एंड अराउंड द बॉडी और हमारी बॉडी में जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहे वो मतलब घूमते रहे पूरी बॉडी में जाते चल जाते रहें तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी हमने खा लिया अब जो ना लास्ट में जो वेस्टेज बच गया उसको हमारी बॉडी से पास आउट करने के लिए हमारी बॉडी से निकालने के लिए जो है उसके लिए भी पानी की बहुत जरूरत होती है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखने के लिए ठीक है उसके लिए भी हमें क्या करना जरूरत होता है पानी की जरूरत होती है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन अवर बॉडी और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाना ठीक है उससे हमारी जो स्किन होती है काफी सूखी सूखी हो जाती है हमारा गला सूख जाता है तो इस तरह से जो चीज़ें हम हमें समझ सकते हैं कि पानी हमारी बॉडी के लिए कितना नीडेड है ठीक है अब बॉडी नीड्स अबाउट टू 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 थ्री लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे हमारी बॉडी को जो है दो से तीन लीटर पानी जो है डेली जरूरत होती है वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फॉर बाइट ड्रिंकिंग वाटर हमारी बॉडी में जो मोस्ट ऑफ दी वाटर जो हमारी बॉडी में जाता है ना वो हम जो पानी पीते हैं ना उसके थ्रू ही जाता है फिर उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि दूध से चला जाता है टी से चला जाता है कॉफी से जूसेस से एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हम लिक्विड पीते हैं उनसे भी हमारी बॉडी में जो है पानी चला जाता है लेकिन मोस्ट जो क्वांटिटी में जाता है ना वो हम सीधा जो डायरेक्ट पानी पीते हैं उससे ही जाता है ठीक है मैनी फूड मटीरियल्स दैम सेल्फ कंटेन्स सम वाटर और बहुत सारे ऐसे खाने बहुत सारे ऐसे फूड मटीरियल्स होते हैं जिनमें खुद में जो है पानी होता है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ वाटर जो फ्रेश फ्रूट होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी पानी होता है वो भी हमारी बॉडी में पानी की जो है कमी काफी मात्रा तक पूरी करते हैं फॉर एग्जाम्पल टोमेटोस बैलेंस एंड कैबेज कंटेनर लॉट ऑफ वाटर जैसे टमाटर बैलेंस और जो कैबेजेस होती हैं ना उनमें काफी मात्रा में पहले से उनमें पानी जो होता है होता है उनके अंदर ठीक है वी ऑल्सो एड वॉटर वाइल्ड कुकिंग मैनी फूड आइड एंड दिस वॉटर ऑल्सो गेट्स इन आवर बॉडी और हम खाना बनाते वक्त बहुत सारी जो डिशेज बनाते हैं ठीक है उनमें जब हम उनको पकाते हैं उनको कुक करते हैं तो उसमें पानी जो है वो डालते हैं ठीक है तो वो पानी भी हमारी बॉडी में जाता है इफ वॉटर इन आवर बॉडीज इज डेफिशियंट ब्लड मूव वेरी स्लोली कॉजिंग सर्व पेन्स एंड क्रैम्स इन मसल्स तो क्या होगा अगर हमारे बॉडी में जो है पानी की जो मात्रा है वो अगर कम रहेगी ठीक है तो हमारी ब्लड मूव हमारा जो ब्लड है वो काफी स्लोली मूव करेगा हमारे बहुत सारे पेन होना शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे हमारे मसल्स में ठीक है तो ये सारी चीजें होती हैं उसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है वो है रफेज रफेज मतलब जो फाइबर्स होते हैं जो रेशेदार खाना होता है ठीक है बिफोर वी डिस्कस रफेज वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द थ्री टर्म्स होल होल मील फ्लावर प्रोडक्ट्स फेसिस एंड कॉन्स्टिपेशन हमको अगर हम रफेज के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले हमें किस तीन वर्ड्स को जो है पढ़ना काफी जरूरत है उसमें है होल मील फ्लार प्रोडक्ट्स फ्लार मतलब आपका जो आटा होता है फेसिस एंड कॉन्स्टिपेशन ये जो है इनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी द फ्लॉर मेड फ्रॉम द एंटायर वीट ग्रेन्स और होल वीट ग्रेन फ्रॉम विच ब्रान इज नॉट रिमूव इज कॉल्ड होल मिल फ्लॉर होल मिल फ्लार किसको बोलते हैं जैसे देखो अगर आप गेहूं का आटा पिसवाते हैं तो जब हम उनको छानते हैं तो उसमें कुछ रेशे रेशे जो होते हैं ना फैब्रिक्स वो बाहर निकल आते हैं ठीक है थीके? हम उन्हें अगर हटा देते हैं तो जो हमारा खाना होगा ना वो होल मिल नहीं होगा अगर हम उस आ, उन रेशों को हमारे खाने के हमारे आटे के अंदर ही रख लेते हैं और फिर उसी से जो है रोटियां पकाते हैं तो वो हमारा जो आटा होगा वो होल मिल फ्लार कहलाएगा ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा होलमिल फ्लावर क्या होता है होलमेल फ्लावर प्रोडक्ट्स इंक्लूड होलमिल्क चपाती एंड होलमिल्क ब्रेड तो होलमेल फ्लावर जो होता है ना वो चपातीज में ठीक है ब्रेड बनाने में इसमें यूज आता है द वेस्ट मैटर रिमेनिंग इन आर बॉडी आफ्टर द फूड हैज बीन डाइजेस्ट इज कॉल्ड और जो उसके बाद में क्या होता है जो हमारी बॉडी में हम खाना खा लेते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट में वेस्टेज बच जाता है ना कि भाई अब इसका कोई यूज नहीं होने वाला बिल्कुल वेस्ट है तो हम उसको क्या बोलते हैं फेसेस वी डिस्चार्ज फेसेज वेन वी गोट टू टॉयलेट

हम जो होते हैं ठीक है और अगर नहीं निकल पाता है मई मीन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और हम हम फ्रेश होने है जाते हैं तो भी वो नहीं निकल पाता है तो उस कंडीशन को जो है हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक है कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड वी विल नाउ डिस्कस रफेज तो अब इन आप इन सब चीज़ों को समझ गए हैं अब हम रफेज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है रफेज इज द फाइबर मैटर्स फाइबेस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी में फाइबर मैटर होता है जो जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता रफेज इज मेनली मोड ऑफ एन इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स रफेज जो होता है वो मेनली इनडाइजेस्टेबल होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम सेलुलोज बोल सकते हैं ठीक है ठीके? और ये कहां पे मौजूद होता है ये प्लांट के सेल्स में सेल वॉल्स होती है ना प्लांट्स की वहां पे मौजूद होता है ठीक है रफेज इज ऑल्सो कोल्ड डायट्री फाइबर हम अगर रफेज को दूसरा नाम दे तो हम उसको डायट्री फाइबर बोल सकते हैं डायट्री फाइबर मीन्स फाइबर विच कैन बी इटर्न एज ए पार्ट ऑफ फूड डायट्री फाइबर वो होते हैं जो जो फाइबर का वो पार्ट जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आर बॉडी तो रफेज होता है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है टू तो दो रफेज हैज नो न्यूट्रिशन वैल्यू क्योंकि रफेज में जो है कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है इट प्रेजेंस इज नेसेसरी इन आर फूड लेकिन फिर भी इसकी जो प्रेजेंस है इसका होना बहुत जरूरी होता है हमारे खाने में रफेज इज नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रफिज जो है ना वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी कंट्रोल करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखते हैं ठीक है ठीके? हमारा डाइजेस्ट अगर हम रफेज फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है जो भी हम फूड लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ठीक है रफेज प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड कीप द फूड एंड वेज मैटर मूविंग थ्रू द इंटेंसिटी इंटेंसिटी टाइम एंड हेल्प टू प्रीवेंट कॉन्स्टिपेशन जो uh, रफेज जो खाना होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फूड आने पे एक बालक आ जाने पे भी उसको फूड में और वेस्ट मैटर में uh, मतलब का एक डिडे डिविजन कर देता है ठीक है और जो वेस्टेज होता है हमारी बॉडी का उसको आ, मतलब मूव करवाने में उसको हमारी बॉडी से मूव करवाने में हमारी बॉडी से निकालने में काफी हेल्प करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से हमारी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है ठीक है रफेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट सच एज फूड रफेज जो है ना हमें मेनली कहाँ से मिलता है जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है जैसे फ्रूट हो गए वेजिटेबल्स हो गई होल मेल फ्लावर हो गए जैसे अभी मैंने बताया था ये क्या होता है प्रोडक्ट्स ठीक है तो इस तरह से जो है आ, हमें हमारे लिए बॉडी में रफेज की बहुत इंपॉर्टेंस है उसके बाद में जो है हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट ठीक है द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आर डाइट जो खाना हम पूरे दिन हमारे पूरी सुबह से लेकर शाम तक में उसमें हमारा नाश्ता भी होता है डिनर भी होता है लंच भी होता है ब्रेकफास्ट भी होता है सब कुछ जो हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं हमारी डाइट बोलते हैं डाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम सीरियल पल्स फ्रूट वेजिटेबल्स मीट फिश मिल्क एक्सेट्रा सप्लाई ऑल द न्यूट्रिशन टू द बॉडी ठीक है अब हमारी जो डाइट में होता है शामिल होती हैं उसमें ना दालें भी होती है फ्रूट भी होता है वेजिटेबल भी होती हैं मीट भी होता है नॉन वो फिश भी खाते हैं एग भी खाते हैं मिल्क लेते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है और ये सारी चीजें मिलकर क्या देती है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है ठीक है द डाइट विच कंटेन्स एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन सच एस कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनर ठीक है सफिशियंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंड डाइट अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है जो भी हम खाना खाते हैं अगर उस डाइट में प्रॉपर मात्रा में मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी पे सब चीजें सारे न्यूट्रिशन जो है एक प्रॉपर बैलेंस में मौजूद होते हैं जैसे जिसको जितनी जरूरत है ठीक है एज के अकॉर्डिंग हमारे डिविजन्स होते हैं तो जिसको जितनी जरूरत है उतना मौजूद होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी एक लिमिट में जितना चाहिए बॉडी को जितना भी बॉडी को चाहिए उतना उतना अगर मौजूद होता है प्रॉपर अमाउंट में ठीक है तो हम उसे क्या बोलते हैं एक बैलेंस डाइट बोलते हैं अ बैलेंस डाइट ऑल्सो कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ वॉटर एंड रफेज और एक बैलेंस डाइट में इन सारे न्यूट्रिशन के साथ साथ पानी भी एक प्रॉपर मात्रा में होता है और रफेज भी जो है हमने अभी भी पढ़ा वो भी एक प्रॉपर क्वांटिटी में होता है